उन्नाव में वायरल फीवर का कहर लगातार जारी है। वायरल फीवर के बढ़ते मरीजों की तादाद के बीच शुक्रवार को दो डेंगू मरीज मिले। एक मरीज पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, दूसरा बीघापुर ब्लॉक क्षेत्र का रहने वाला एक शख्स है। डेंगू के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। 24 घंटे में दो डेंगू के मरीज मिलने से जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं वायरल फीवर के मरीजों में लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। भले ही जिला अस्पताल में डॉक्टर वायरल फीवर के मरीजों की संख्या हर दिन 40 से 50 बता रहे हैं, जबकि नर्सिंग होम वायरल फीवर के मरीजों से भरे पड़े हैं। जिला अस्पताल CMS डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि 10 मरीजों का डेंगू का सैंपल भेजा गया, जिसमें से 2 की रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई। डेंगू पॉजिटिव मरीज का इलाज किया जा रहा है। एक की हालत गड़बड़ होने पर बेहतर उपचार के लिए हैलट हॉस्पिटल रेफर किया गया। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। वायरल फीवर मरीजों की एक हफ्ते से मॉनिटरिंग की जा रही है। वायरल फीवर के मरीजों की तादाद में फिलहाल ज़्यादा इजाफा नहीं है। औसतन 40 से 50 मरीज वायरल फीवर के आ रहे हैं। जिले में डेंगू के मरीजों की कितनी संख्या इस समय चल रही है, किस तरह जांच करी जा रही है, रोकथाम के लिए क्या विचार किया जा रहा है? हमारे वार्ड में कल 2 डेंगू के मरीज आए थे, जिनकी डेंगू की जांच कराई गई। डेंगू की जांचें 10 कराई गई थी, उसमें 2 मरीज हमारे पॉजिटिव आए थे कल, और एक मरीज बिल्कुल ठीक है हमारा। आज दूसरे मरीज की जांच कराई है, उसकी थोड़ी प्लेटलेट्स कम है, तो प्लेटलेट्स कम होने के कारण उसको अच्छे इलाज हेतु उसको और बड़े सेंटर में कानपुर भेजा जा रहा है। वैसे उस मरीज की भी स्थिति ठीक है, लेकिन प्लेटलेट्स काउंट कम होने के कारण, जिससे फर्दर उसके कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके, क्योंकि उसको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत लग रही है। हमारे यहाँ प्लेटलेट चाहने का कंपोनेंट सेपरेटर नहीं है अवेलेबल, इसलिए उसको जो है हैलेट के लिए रेफर किया जा रहा है। सर, रोज की अपेक्षा कितने पेशेंटों की संख्या बढ़ी है? संख्या बढ़ नहीं रही है, हफ्ते भर से हम लोग क्लोज, काफ़ी दिनों से हम लोग वायरल फीवर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फीवर के केसेस में संख्या बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है, लगभग वही 40-50 के बीच में एवरेज रहती है, और उस हिसाब से जो है डेंगू के मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा यहाँ पे जांचों में नहीं आ रही है।